रणवीर सिंह और ऋतिक रोशन हैं इन रेस फॉर अ रीमेक ऑफ अ साउथ इंडियन फिल्म। ऋतिक और रणवीर दोनों का ही नाम कंसिडर किया जा रहा है फॉर एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फिल्म। सोर्सेस का कहना है लास्ट दिवाली पर रिलीज रही ब्लॉकबस्टर फिल्म कैथी के रीमेक के लिए ही राइट्स रिलायंस एंटरटेनमेंट ने खरीद लिए हैं और वो जल्द से जल्द इस फिल्म पर काम शुरू करना चाहते हैं। लेकिन फिल्म के लीड को लेकर अभी भी बातचीत चल रही है और मेकर्स रणवीर सिंह और ऋतिक रोशन में से किसी एक एक्टर को इस फिल्म के लिए साइन करना चाहते हैं। वैसे शुरुआत में ये खबर भी आई थी कि इस तमिल फिल्म के एक्टर कार्थी को ही फिल्म के हिंदी रीमेक के लिए कंसिडर किया जा रहा है, लेकिन फिर मेकर्स को लगा हिंदी ऑडियंसेस के बीच कार्थी एक बड़ा नाम नहीं है और इस हिट फिल्म की रीच ज्यादा नहीं हो पाएगी अगर कार्थी को इस रोल के लिए कंसिडर किया गया। इस डेवलपमेंट को लेकर एक सोर्स का कहना है कार्थी डजंट हैव अ मार्केट इन द हिंदी बेल्ट। लाइक इट और नॉट, साउथ इंडियन सुपरस्टार्स आर रिस्ट्रिक्टेड इन देयर व्यूअरशिप टू देयर होम बेस। कार्थी वुड बी द नेचुरल चॉइस इन हिंदी बट ही वोंट ब्रिंग इन द ऑडियंस। आगे सोर्स का ये भी कहना है हिज एल्डर ब्रदर सूर्या मेड एन अटेम्प्ट टू गेट इनटू हिंदी सिनेमा विद राम गोपाल वर्मा'स रक्त चरित्र बट ही फेल्ड। ऐसे में अब मेकर्स ऋतिक रोशन और रणवीर सिंह में से किसी एक एक्टर को फाइनल करने का मन बना चुके हैं। एक सोर्स का ऋतिक रोशन और रणवीर सिंह की कास्टिंग को लेकर कहना है इट वुड डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ डेट्स द प्राइस एटसेट्रा बट यस दीज टू आर द नेचुरल चॉइसेस। वैसे इस तमिल फिल्म की कहानी की बात करें तो कैथी इज एन इंटेंस एक्शन थ्रिलर। द स्टोरी इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ अ कॉन्विक्ट हु इज ऑन अ जर्नी टू मीट हिज डॉटर। वेल, हिट साउथ इंडियन फिल्म्स का हिंदी रीमेक बनना अब एक आम बात हो गई है, खास तौर पर फिल्म कबीर सिंह की सुपर सक्सेस के बाद। साउथ में फिल्म्स के हिट होने के तुरंत बाद फिल्म्स के राइट्स खरीद लिए जाते हैं। देखना होगा ऋतिक रोशन और रणवीर सिंह में से कौन इस रीमेक के लिए हाँ कहता है। वैसे रणवीर सिंह फिलहाल पूरी तरह से अपनी फिल्म 83 के प्रमोशंस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी फिल्म जयेश भाई जोरदार की शूटिंग को पूरा किया है। वहीं ऋतिक रोशन की बात करें तो फिल्म वॉर की सुपर सक्सेस के बाद वो कई फिल्म्स की स्क्रिप्ट्स को सुन चुके हैं, लेकिन किसी फिल्म को फिलहाल उन्होंने गो अहेड नहीं दिया है। वॉच ईटाउन न्यूज मंडे टू फ्राइडे एट 9:30 PM ओनली ऑन जूम।